क्या है ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद? वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन तक चले सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसे वजूखाने में लगा फव्वारा बता रहा है। इसके बाद स्थानीय अदालत ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया। ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। क्या कहते हैं इतिहासकार? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनवाया था और इसके लिए उन्होंने यहाँ पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था। लेकिन इस मान्यता को तथ्य मानने से कई इतिहासकार इनकार करते हैं। ये दावे साक्ष्यों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। न तो शर्की सुल्तानों की ओर से कराए गए किसी निर्माण के कोई साक्ष्य मिलते हैं और न ही उनके दौर में मंदिर तोड़े जाने के। जहां तक विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का सवाल है, तो इसका श्रेय अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1525 में अकबर के आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से कराया था। वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी कहते हैं, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने कराया। दूसरी ओर इस बात को ऐतिहासिक तौर पर भी माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर टूटने के बाद ही हुआ। बीबीसी से बातचीत में सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं, ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि मस्जिद अकबर के जमाने में बनी थी। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया था क्योंकि वो दीन ए इलाही को नकार रहे थे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी हो, ऐसा नहीं है। ये मंदिर से बिल्कुल अलग है। ये जो बात कही जा रही है कि यहाँ कुआं है और उसमें शिवलिंग है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। साल 2010 में हमने कुएं की सफाई कराई थी, वहां कुछ भी नहीं था। ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण का समय। भरोसेमंद ऐतिहासिक दस्तावेजों में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र वर्ष 1887 में मिलता है, जब इसे राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। वाराणसी में पत्रकार अजय सिंह बताते हैं, 1991 के कानून के बाद मस्जिद के चारों ओर लोहे की चार दीवारी बना दी गई। हालांकि उसके पहले यहां किसी तरह के कानूनी या फिर सांप्रदायिक विवाद की कोई घटना सामने नहीं आई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल वर्ष 1996 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था, लेकिन स्टे ऑन ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई और इसी सुनवाई के बाद मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञानवापी मस्जिद, दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन स्पष्ट और पुख्ता ऐतिहासिक जानकारी काफी कम है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।